नॉलेज इज़ पावर हम कहते हैं, केबीसी भी यही कहता है। तो बच्चों के हाथ में आजकल मोबाइल आ गया है, तो वो क्या सही गलत क्या देखते हैं वो पेरेंट्स का कंट्रोल आजकल होता नहीं है इतना, किताबों से वो दूर जा रहे हैं बच्चे। तो कुछ आप इस माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे उनसे? या देखिए, ये दो तरफा एक तलवार है। अगर हम कह दें कि नहीं देखना चाहिए तो हमारा प्ले लॉन्ग जो है वो मार खाएगा, और अगर हम कह दें कि खेलना चाहिए तो जो आप कह रहे हैं कि आजकल ये सही बात है। अब ये मॉडर्न इन्वेंशन है, इसको हम रोक नहीं पाएंगे, लेकिन उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं, अभी कल ही मैं पढ़ रहा था, बिल गेट्स ने अपनी संतान के यहाँ मोबाइल दिया ही नहीं है। एम आई राइट? आई डोंट नो इफ यू रेड इट, आई रेड समवेयर जस्ट येस्टरडे, ही हैज स्टॉप्ड, दे डोंट हैव मोबाइल्स, दे कांट सी टेलीविजन, दे हैव टू स्टडी, दे हैव टू रेफर टू बुक्स, दे कांट गूगल एंड स्टफ लाइक दैट। So there is this side of the temperament also, but yes, you are right. आजकल तो घर में हम लोग 7-8 प्राणी एक साथ परिवार के बैठे हैं और बात कर रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन मोबाइल से बात कर रहे हैं, कोई एक दूसरे से बात नहीं करता, सब अपने अपने उसमें लगे रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो आजकल की पीढ़ी है उनका दिमाग जो है, हमारा तो दिमाग तो थोड़ा कन्फ्यूज है, लेकिन उनका दिमाग जो है कई दिशाओं में बिखरा हुआ है। They can operate their mobile, they can be watching television, they can be SMSing their friend, they can be WhatsApping something all at once, and they'll be all in time and correct. So the attention span, even though it is, you know, is a little small, they are still able to maintain that. It's quite remarkable. I see that happening. वो टीवी में चल रहा है उनको, हाँ वो आने वाला, फिर SMS भी कर दिया, WhatsApp के साथ बात भी हो रही है, इधर खाना पीना हो रहा है वो भी चल रहा है, सब एक साथ काम कर रहे हैं। It's got something to do with their genes, so I guess we'll have to live with it, ma'am, you know.